हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ चैप्टर 12 विद्युत मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब से, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आवेश मतलब चार्ज क्या होता है। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर भगाते हैं। यदि प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर रिपेल करेंगे मतलब दूर दूर भगाएंगे, इसको हम बोलेंगे प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम कूलाम बोलते हैं, सी से दिखाते हैं। एक कूलाम आवेश में 6×10^-18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या का मान 1.6×10^-19 कूलाम होता है, ऋणात्मक होता है मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए Q बराबर N ही होता है, जहाँ Q का मतलब हो गया कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर आपका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। आगे बढ़ते हैं, आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो मतलब करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, करंट, करंट मतलब विद्युत धारा। ठीक है, तो जो आवेश के प्रवाहित होने की दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। दैट इज, यदि हम करंट को आई से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से दिखाते हैं और समय को टी से, तो आई बराबर क्यू बटे टी होता है। आवेश है, करंट है, इसे हम एम्पियर में नापते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, और जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। सो एक एम्पियर बराबर एक कूलाम प्रति सेकंड होता है। अब एक एम्पियर को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने देखा जो विद्युत धारा है उसका छोटा एम्पियर जो है बड़ा यूनिट है, उसकी छोटी यूनिट जो होती है वो मिली एम्पियर होती है। एक मिली एम्पियर बराबर 10^-3 एम्पियर, और उससे भी छोटी माइक्रो एम्पियर होती है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10^-6 एम्पियर होता है। इसके बाद विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। ये जो दिख रहा है ये एमीटर है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में इसका यूज होता है, मतलब इसे हमेशा हम सर्किट में सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, ये आपकी बैटरी है, ये एमीटर है और ये बल्ब है। ठीक है, इसमें हमने इसमें किसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा ऋण आवेश से चलता है। ठीक है, लेकिन जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसे धन आवेश से दिखाया जाता है, कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब विद्युत धारा की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को माना जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के जस्ट विपरीत। आगे बढ़ते हैं विद्युत परिपथ। देखो, किसी भी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, मतलब द कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को। ठीक है, जैसे ये देखेंगे ये वाला जो है इसमें क्या है, सतत मतलब कंटिन्यूअस है, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये वाला जो है, जो दूसरा वाला फिगर है इसमें देखेंगे ऑफ है, ऑफ है मतलब ये आपका ओपन सर्किट, तो इसमें करंट आपका फ्लो नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत ऊर्जा। किसी भी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होता है उसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट हो और क्यू कूलाम आवेश
चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में व्यय ऊर्जा W बराबर क्यू भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विद्युत विभव है। तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव को प्रदर्शित करता है। इसे भी से हम दिखाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू। इस चार्ज के कारण इसके आसपास क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब हम इसमें मान लेते हैं अनंत से कोई टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश क्यू जीरो किसी बिंदु तक लेके आते हैं। मान लेते हैं हम इस बिंदु ए तक लेके आते हैं। कहाँ से? अनंत से। तो अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में मान लेते हैं हमको कार्य डब्लू करना पड़ेगा। ठीक है, और इस जगह पर जो विभव है वो आपका भी है। ठीक है, और चार्ज कितना था आपका क्यू जीरो मतलब परीक्षण चार्ज क्यू नॉट था। तो इस कंडीशन में आपका विभव बराबर मतलब वी बराबर आपका डब्लू बटे क्यू नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके अंदर हम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, लेकिन विभवांतर की जब हम बात करते हैं तब इसके अंदर हम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। मान लेते हैं हम ए से बी तक लेके आते हैं आवेश को। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक जो होता है सेम होता है, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का आपका सूत्र हो गया W बटे क्यू। ठीक है, यदि हमें कार्य जो है W करना पड़ा क्यू आवेश को लाने में, तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर आपका W बटे क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें कि विभव को हम वोल्ट में नापते हैं, कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, और आवेश को हम लोग किस में नापते हैं, कूलाम्ब में नापते हैं, तो आपका एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक वोल्ट को कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक कूलाम्ब आवेश को एक जूल कार्य होता है, मतलब एक कूलाम्ब आवेश को लाने के लिए एक जूल कार्य होता है, तब विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम्ब होता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है आपका विभवांतर नापने का एक युक्ति है, एक डिवाइस है। क्या है आपका डिवाइस है? ठीक है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और इसे हमेशा पैरेलल मतलब पार्श्व क्रम में ऐड किया जाता है, लगाया जाता है किसी भी उसमें। ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। ये आपका वोल्ट मीटर है, देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, और इसको कुछ इस तरीके से सर्किट में लगाया जाता है। आपको एक सर्किट दिया गया है हमेशा पैरेलल में, जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें क्या नापना होता है, पोटेंशियल मतलब विभवांतर या विभव को नापना होता है, उसमें हम पैरेलल क्रम में इसको जोड़ देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सेल। सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखने का काम करती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रभावित होती है। ठीक है, अब बहुत सारे, ये एक सेल है आपका, अब हम बहुत सारे सेलों को आपस में जब जोड़ देते हैं तब आपका बैटरी बनता है। सेलों को हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं। जब एक सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से हम जोड़ते हैं, और दूसरे सिरे को हम तीसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, मतलब श्रेणी क्रम का कनेक्शन बोलते हैं। और जब एक बैटरी के मतलब पहली बैटरी के पहले टर्मिनल को, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, इसी तरीके से तीसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते चले जाएं, तब इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। जो सेल है उसका ये चिन्ह होता है, और जो बैटरी है उसका ये चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा ओम का नियम। यदि किसी भी विद्युत परिपथ के
में यदि किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तारों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होती है, ठीक है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी धातु के तार में से बिना उसका तापमान बदले यदि हम उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा जो होती है आपके उसमें स्थापित पोटेंशियल के समान अनुपाती होता है, मतलब भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बराबर का साइन आता है और साथ में आर आ जाता है, तो मतलब भी बराबर आई आर होता है। यदि यहाँ से हम R का मान निकालें तो V बटे I होता है। ये जो R है ये एक तरीके का नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। यदि हम एक धातु का तार ले लें और उसके बीच में हम क्या खींचें? वी आई ग्राफ खींचें, मतलब पोटेंशियल और करंट का ग्राफ खींचें, तो हम पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मान लो हम 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करते हैं तब उसका पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट आता है। मान लो हम 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित करते हैं तो उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट आता है। तो इस तरीके से हमको जो भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे इन पॉइंट्स को हम जोड़ते जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है? ओम का नियम है। तो एक बार फिर से ओम के नियम को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्विक, कि किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होती है यदि तार में कोई भी तापमान में परिवर्तन ना हो। यही आपका ओम का नियम है। आगे बढ़ते हैं प्रतिरोध। जैसा कि हमने देखा अभी R बराबर V बटे I होता है, इस R को हम प्रतिरोध बोलते हैं। ये हमने ओम के नियम में पढ़ा। यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण से वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है। यदि किसी चालक में I धारा प्रभावित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो चालक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के कारण जो चालक होता है अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या करता है? विरोध करता है। इस रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है और इस ओम का ये सिंबल है, ये ग्रीक लेटर का शब्द है। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जान चुके हैं कि R बराबर V बटे I होता है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में नापते हैं और V मतलब वोल्ट को हम लोग विभवांतर को हम लोग V वोल्ट में नापते हैं और एम्पियर करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। तो 1 ओम = 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो इस 1 ओम को हम लोग कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। हमारा अगला पॉइंट है परिवर्ती प्रतिरोध। स्रोत वोल्टता, मतलब जिससे भी हमको वोल्टेज मिल रही है, में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जिससे हमको वोल्टेज मिल रहा है उसमें बिना परिवर्तन किए हुए हम विद्युत धारा को कंट्रोल कर लें तब हम उस अवयव को जिस कंपोनेंट की हेल्प से हमें कर पा रहे हैं उसे हम परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे। उसके बाद धारा नियंत्रक, इसे हम लोग रोह स्टेट भी बोलते हैं, RH से इसको दिखाया जाता है। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे हम धारा नियंत्रक मतलब रियो स्टेट बोलते हैं। अगला है वो कारक जिन पर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस R आपका डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस, ये हमने एक चालक तार ले लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब उसकी गोलाई जिसे हम A बोल रहे हैं, और इस चालक तार की लंबाई आपका L है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध R है।
तब इसका प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के समान अनुपाती होता है, ठीक है, मतलब R जो होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है L के। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब रेसिप्रोकली, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a, इसका आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/a। दूसरा, तापमान के समान अनुपाती होता है, जो टेम्परेचर होता है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इन दोनों को कुल मिला जुला के यदि हम कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू आपका L अपॉन A होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब आपका क्या आता है, यहाँ पर रो आता है, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो यहाँ से हमने एक नई चीज निकाली, ये रो, इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कौन वो कौन कौन से कारण हैं जिन पर प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। अभी हमने प्रतिरोधकता के विषय में पढ़ा था, जिसे हमने रो से परिभाषित किया था। रो बराबर आपका, देखो, R बराबर मतलब रेजिस्टेंस बराबर रो L अपॉन A आया था। यहाँ से यदि हम रो की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा R A अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है एरिया, इसको हम किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, और ये लेंथ है, इसको किस में नापते हैं, लंबाई को, मीटर में। तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, मीटर बचेगा, और इसको किस में हम नापते हैं, ओम में, रेजिस्टेंस R को ओम में। तो इस तरीके से आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाता है। धातु एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर 10^-8 से लेके 10^-6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन मतलब दहन मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है। तापन युक्ति जैसे कि रूम हीटर आपका तापन युक्ति है, आयरन प्रेस एक तापन युक्ति है, ठीक है। तांबा एवं एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचारण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है, तारों के थ्रू भेजते हैं, तो इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के वायर का, तांबे के तार का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो सबसे कम होती है। आगे बात करेंगे कि प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपके सेल के केस में समझाया था, उसी तरीके से रेजिस्टेंस के केस में भी होगा। ये हमने R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस ले लिए हैं। हमने R1 रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को R2 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया है, फिर R2 रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को R3 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया है, फिर आखिरी रेजिस्टेंस मतलब R3 को हमने एक बैटरी के टर्मिनल से और R1 रेजिस्टेंस के पहले सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हम उसे श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब दो तो हम लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक, यहाँ तीन नहीं दो से अधिक कर देंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तब हम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रभावित प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध, प्रभावित प्रतिरोध को हम क्या बोल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं,
तो आर एस, आर मतलब रेजिस्टेंस, एस मतलब सीरीज में, बराबर होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब जब जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं उन सभी के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम होगा वो इस टोटल कॉम्बिनेशन का, इस टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इस समायोजन में मतलब श्रेणी क्रम के संयोजन में, अरेंजमेंट में, जो आपका करंट एक रेजिस्टेंस से फ्लो होता है वही सारे रेजिस्टेंस से फ्लो होता है, क्योंकि उतना ही रेजिस्टेंस, उतना ही करंट सब में से फ्लो होके जाएगा, जैसा कि आप चित्र में से देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। अब इस कंडीशन में लेकिन क्या होता है, हर प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर अलग अलग होता है। हम मान लेते हैं पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और दूसरे सिरों के बीच में V2 है और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच में V3 है। अब हमें ओम के नियम से पता है कि V इक्वल टू आपका IR होता है, ठीक है, मतलब विभव बराबर करंट गुणे रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से जो पहला रेजिस्टेंस है उसका विभव V1 होगा और V1 बराबर IR1 होगा, करंट तो समान ही फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से V2 बराबर IR2 होगा और V3 बराबर IR3 होगा, लेकिन कुल विभव हमने देखा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरीके से हम V इक्वल टू IR1 IR2 और प्लस IR3 लिख सकते हैं, और V का मान हमें IR हमने मान लिया, R रेजिस्टेंस, R S कर दिया, S मतलब इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम I को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस मतलब तुल्य रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये था आपका डेरिवेशन, क्या चीज़ था, डेरिवेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सीरीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पार्श्व क्रम संयोजन। देखो पार्श्व क्रम संयोजन को समझने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो बिंदु ले लिए हैं, एक है एक्स और एक वाई, और एक्स और वाई के बीच में हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हमने कनेक्ट किया है। हम देख सकते हैं R1, R2 और R3 के पहले बिंदुओं को हमने X से और R1, R2, R3 के दूसरे बिंदुओं को, दूसरे छोरों को हमने Y से कनेक्ट कर दिया है, और एक्स और वाई को हमने एक बैटरी भी से कनेक्ट कर दिया है। हमें पता है इसमें करंट की दिशा जो होगी प्लस चार्ज से जाएगी, ठीक है, प्लस चार्ज से होती हुई और निकल के आएगी और वापस आपका वाई से होता हुआ फिर बैटरी की तरफ आएगी, तो आई की दिशा हो गई। हम मान लेते हैं इसमें से करंट आई फ्लो होगा। अब ये करंट आई जैसे ही पॉइंट एक्स पर पहुँचेगा तो तीन भागों में बढ़ जाएगा। R1 रेजिस्टेंस अपने हिसाब से I1 करंट को ले लेगा और R2 है जो आपका I2 करंट ले लेगा और R3 आपका I3 करंट ले लेगा। तो इस तरीके से कुल जो धारा इसमें प्रवाहित होगी I, वो I1, I2 और I3 के बराबर होगी। अब हमने ओम के नियम से पढ़ा था कि V बराबर IR होता है, तो इस तरीके से I इक्वल टू आपका V अपॉन R होता है। इस कॉम्बिनेशन में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो x और y के बीच में विभवांतर होगा वो बराबर होगा, वो बैटरी के विभवांतर V के बराबर होगा। मतलब इसमें विभवांतर चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रतिरोध और विद्युत धारा चेंज होती है। तो इस तरीके से I1 बराबर आपका V बटे R1 हो जाएगा, I2 बराबर आपका V बटे R2 हो जाएगा और I3 बराबर आपका V बटे R3 हो जाएगा। इन तीनों का मान यदि मैं यहाँ पर रख दूँ तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब मैं यदि इस पूरे समायोजन का करंट मुझे पता है कि वो I है और इस पूरे समायोजन का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP मान लूं, तो उस कंडीशन में इस पूरे समायोजन का जो करंट I होगा उसकी वैल्यू आपकी V बटे
आर पी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, ये हो जाएगा वी बटे आर पी। आर मतलब रेजिस्टेंस, पी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ से मैं वी को कॉमन ले लूँ तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक बटे आर वन, एक बटे आर टू और एक बटे आर थ्री। ये वी से वी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इस तरीके से हमने पाया कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध जो होता है उनके व्युत्क्रम मतलब इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब श्रेणी क्रम समायोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन का बेनिफिट क्या होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की तुलना में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बेनिफिट होता है। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों के लिए अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में एक ही धारा काम करती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। कुल मिला जुला के हमने पढ़ा समझा कि यदि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में किसमें सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में चीज़ों को जोड़ते हैं तो एक चीज़ खराब हो जाती है, एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो बाकी सब काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पैरेलल में सबके लिए अलग अलग स्विच होता है, एक खराब हो जाता है तो बाकी के ऑपरेशन में बाकी को चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि सीरीज में जितने भी अवयव हैं सब में से एक सी धारा एक सी विद्युत करेंट फ्लो होगी, लेकिन पैरेलल में सबके लिए अलग अलग करंट फ्लो होता है आवश्यकता के हिसाब से। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि जो पैरेलल और साथ में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ज़्यादा यूजफुल होता है। हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, हाउस होल्ड जो वायरिंग होती है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। नाउ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें प्रतिरोधक होता है। जो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में क्षयित होती है, जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि आपने देखा होगा कि आपके जो तार होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ चढ़ी होती है, यदि आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो या आप अपने मोबाइल का चार्जर ही ले लो, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो उस समय जब आप चार्जर को टच करके देखेंगे तो वो चार्जर जो है आपका गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पूरा का पूरा यूज मोबाइल के चार्ज होने में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ मात्रा उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। अब हमें पता है कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है, मतलब हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। अब हमें पता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो हम यदि यहाँ पर वैल्यू रख दें तो H इक्वल टू हमारा वी आई इंटू टी हो जाएगा। अब हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, अब हम उसकी भी वैल्यू रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा V की जगह पे आई आर इंटू पहले से I और T है, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। यही क्या है, किसी भी कंपोनेंट से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें से जो हीट एनर्जी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी वैल्यू होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं। तो फिर जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है, तो इसके अनुसार अभी हमने देखा था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यदि इसको हम देखें इन दोनों को हम कॉन्स्टेंट कर दें आर और टी को, तो एच इक्वल टू हमारा
प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। अब आई और टी को कांस्टेंट कर दें तो एच प्रोपोर्शनल टू हमारा आर होगा। अब हम आई और आर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें तो हमारा एच प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ें निकाली कि किसी भी प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा उसमें विद्युत धारा के वर्ग के समान अनुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस के समान अनुपाती होता है। तीसरा, कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समय के मतलब कितने समय के लिए हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके भी समान अनुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का तापन प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं या जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अब तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में तो वांछनीय मतलब यूजफुल होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, मतलब अनयूजफुल होता है, अनयूजफुल होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो जो हमारा विद्युत का बल्ब होता है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है, उसमें ज़्यादातर मात्रा जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ कुछ ही पार्ट जो होता है वो आपका लाइट के फॉर्म में निकलता है। जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के अंदर ये जो दिख रहा है ग्लो करता हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, मतलब फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। और ये फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज मतलब उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक जो होता है लगभग 33,080 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु मतलब फिलामेंट की आयु में वृद्धि की जा सके। तो इस तरीके से हमारा एक लास्ट टॉपिक और बच गया, इसमें विद्युत शक्ति मतलब पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर को हम लोग पी से दिखाते हैं। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में, यदि ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त या क्षयित ऊर्जा की दर प्राप्त होती है तो इसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। मतलब P इक्वल टू हमारा VI होता है, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू टाइम होता है, या फिर P इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। और P का एक और फॉर्मूला होता है H/T। H का तो हमें पता है क्या होता है, H का होता है I स्क्वायर RT, और नीचे क्या होता है T से T कट जाएगा तो I स्क्वायर R भी आ जाएगा, जो से जैसा कि यहाँ पे लिखा है V स्क्वायर R भी होता है। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है और एक वॉट बराबर एक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है किलो वाट घंटा होता है, ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, और 1 किलो वाट घंटा बराबर विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट होती है। और हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या जो सवाल MCQs पूछे जाते हैं उस तरीके के सवाल्स के लिए भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हम 2 वीडियोस अपने नेक्स्ट लेके आएंगे। पहला वीडियो हमारा क्लास 10th के लिए होगा जिसमें क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, और दूसरा जो होगा आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए जैसे कि SSC हो गया या रेलवे हो गया या और भी एग्जाम्स हो गए, BPSC हो गया या UPSC हो गया, इसमें जो भी सवाल अब तक पूछे गए हैं उस तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।